नीरज कुमार के द्वारा आज कटिहार सदर अस्पताल में औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी वार्ड किचन और ओटीपी के साथ साथ लेबर वार्ड की भी जांच की गई। सभी जगह खराब स्थिति को लेकर एसडीएम नीरज कुमार ने फटकार भी लगाई। सदर अस्पताल की नाकामयाबी को देखते हुए एसडीएम नीरज कुमार ने बताया कि बहुत ही बुरी स्थिति में है सरकारी सदर अस्पताल और इस पर उचित कार्रवाई किया जाएगा। ओपीडी में डॉक्टर को नहीं पाए जाने से डॉक्टर की हाजिरी को भी काट दिया गया। सभी वार्डों को देखा गया, दवा ने कक्ष को देखा गया, दवा वितरण कक्ष को देखा गया, डॉक्टर के अटेंडेंस को देखा गया। ठीक है, अटेंडेंस में कुछ डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए, अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं थे। उनके सीएस महोदय से पूछा जा रहा है कि क्या वे लीव पर थे या अनऑथोराइज रूप से एब्सेंट हैं। तो एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जो दवा केंद्र है उसमें लगभग 71 प्रकार की दवाइयाँ होनी चाहिए थी, लेकिन अभी 38 ही दवाइयाँ हैं। तो ऑनलाइन उनका जो स्टॉक है और प्रेजेंट जो फिजिकल स्टॉक है वो उसका मिलान किया जा रहा है। आखिर अंतर का कारण क्या है, कुछ अंतर है, उसका अंतर का कारण क्या है, ये भी जांच इसकी भी हम लोग कर रहे हैं। सफाई और जो सुविधाएं प्रदान की जानी है हॉस्पिटल में, प्रत्येक वार्ड में जा करके वो देखें। महिला सबसे पहले तो महिला प्रसव वार्ड में गया, वहाँ पर दुर्गंध की स्थिति थी, सफाई की स्थिति अच्छी नहीं थी, लोग रुमाल नाक पर रखे हुए थे। ठीक है, उसके संबंध में हमारे द्वारा जो निर्देशित तो किया ही गया और जो रिपोर्ट है वो किया जाएगा। वार्डों में जो बेड सीट होनी चाहिए थे, जिस कलर के प्रत्येक दिन चेंज होना चाहिए था, उसमें कमियां पाई गई हैं। जो पंखे सब हैं, कुछ पंखे खराब स्थिति में थे, वो उनमें सुधार करने का निर्देश दिया गया है। खाना कमोबेश ठीक था, जो खाना था वो ठीक पाया गया लगभग, लेकिन सफाई पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो यहाँ आउटसोर्सिंग से जो ठेकेदार हैं जिनको दिया गया है जा, उसकी कार्यप्रणाली बिल्कुल ठीक नहीं है। पूर्व में भी मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन में आया था, उसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा है, तो उस पर कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी वरीय पदाधिकारी को। सर, कुछ एक पेशेंट भी दिखा जो बिल्कुल क्लॉथलेस था, इसके लिए कुछ कहें ये ह्यूमैनिटी क्वेश्चन? जैसा कि यहाँ के नर्स और ओपीडी उपस्थित थे, उन्होंने बताया कि कुछ मेंटली वो डिस्टर्ब हैं, उनकी पत्नी छोड़ के चली गई है उनको, कुछ दिन पहले थी वो, तो उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है। विशेष एसडीपी यूनुस कुमार ने बताया कि इन तमाम चीज़ों को अपने वरीय पदाधिकारी को सौंपेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। एटीएन लाइव के लिए कटिहार से सोनू की रिपोर्ट। ATN Live.